इंडियन क्रेडिट टेक में आपका फिर से स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग कस्टम पीसीबी बनाना सीखेंगे। आप लोगों ने किसी भी मदरबोर्ड में या फिर टीवी के मदरबोर्ड या फिर मोबाइल के मदरबोर्ड पे आप लोगों ने तो देखा ही है कि कैसे वो पीसीबी है वो डिज़ाइन करते हैं और उसके बाद वो जो है प्रिंट करते हैं। तो आज हम लोग उसे ही थोड़ा सा मतलब घर पर बनाना दिखाएंगे कि कैसे ये टोटल प्रोसेस होता है। तो चलिए इसे बनाते हैं। हम लोगों ने इसको प्रिंट कर लिया है। अब हम लोग एक कॉपर का बोर्ड लेंगे इस तरह के। ये एक साइड कॉपर का है और एक साइड नॉर्मल है। अब हम लोग इसकी जो साइज है उसे देख के इस बोर्ड के ऊपर मार्क कर लेंगे और उसे कट कर लेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं हम लोग इस कॉपर बोर्ड को काट लिया है। अब हम लोग इसके ऊपर पहले से प्रिंट करके रखा सर्किट डायग्राम को फिक्स कर देंगे। एक आयरन लेंगे और इस आयरन को लेके इसके ऊपर अच्छे से हीट देंगे ताकि इस जो प्रिंट पेपर के ऊपर जो प्रिंट है वो कॉपर बोर्ड के ऊपर ट्रांसफ़र हो जाए। मैं टेस्टिंग पर्पस के लिए इस कागज़ की दोनों तरफ ही प्रिंट कराया था और जब मैं इसके ऊपर आयरन से हीट कर रहा हूँ उस समय कागज़ के दूसरे तरफ पे लगे हुए जो इंक है वो आयरन पे चिपक जा रहा था। इसके वजह से मुझे काम में बहुत दिक्कत हो रही थी। इसके लिए हम लोग इसके ऊपर एक सफ़ेद कागज़ को रखा है और इसके ऊपर से हम लोग इसमें हीट देंगे। अब मैंने ये बर्तन में पानी ले लिया है और अब हम लोग इसको इसके अंदर डाल देंगे। थोड़ी देर वेट करेंगे और उसके बाद इसकी जो कागज़ है वो उठाना स्टार्ट करेंगे।
थोड़ी देर हो गया है और अब हम लोग इसे धीरे धीरे से उठाना स्टार्ट करेंगे। कागज़ के ऊपर का जो प्रिंट था वो आप कॉपर के ऊपर आ गया है। इसके ऊपर भी थोड़ा थोड़ा जगह पे, मतलब कुछ कुछ जगह पे लाइन थोड़ा सा उठ गया है, वहाँ पे हम लोग परमानेंट मार्कर की मदद से फिर से लाइन ड्रॉ कर देंगे। हम लोगों ने एक कंटेनर ले लिया है और अब हम लोग इसके अंदर ये फेरिक क्लोराइड को डालेंगे, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा ही डालेंगे। मैंने बहुत दिनों से इसे इस्तेमाल नहीं किया, इसके लिए ये ऐसी हो गई है। ख़राब हो गया है लगता है मेरे। मैंने ये बहुत दिनों से इस्तेमाल नहीं किया था, इसके लिए ऐसा हो गया है। अब हम लोग इसमें पानी ऐड करेंगे, ज़्यादा नहीं लेना है पानी, नहीं तो रिएक्शन उतना अच्छा नहीं आएगा। ऐसा हिला लेंगे, बहुत गर्म हो चुका है ये। अब हम लोग इसके अंदर ये पीसीबी को डाल देंगे। वैसे ऐसे ही थोड़ी देर तक हिलाते रहेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने ये निकाल लिया है, उसमें से इसका जो कॉपर है वो सभी उठ गया है। ये लाइन को छोड़ कर इसके बाकी के जो भी कॉपर थे वो सारा इस केमिकल की वजह से मिट गया है। आपको ये 10-12 मिनट तक शेक करना है और उसके बाद इसे निकाल के पानी से अच्छे से धो लेना है। उसके बाद आप लोगों को ठीक ऐसा ही बोर्ड मिल जाएगा। अब हम लोग इसके ऊपर जो ये प्रिंटर का इंक वगैरह है इसे हम लोग हटा लेंगे। इसके लिए हम लोग फिर से ये स्कॉच ब्राइट का इस्तेमाल करेंगे। स्कॉच ब्राइट की मदद से इसे रब करके सारा इंक जो है वो निकाल लेंगे। जैसे देख सकते हैं फाइनली ये स्कॉच ब्राइट की मदद से स्क्रब करने के बाद जो लेज़र का इंक है वो उठ गया है और ये कॉपर निकल आया है। अब हम लोग ड्रिल की मदद से इसमें सारे कंपोनेंट्स के लिए ड्रिल कर लेंगे, होल कर लेंगे।
सो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है। अगर आपको ये अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना।